मॉम आप आओ मॉम बैठो। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ मॉम ठीक है, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। अरे तो लाजवंती को कह देते, वो आकर तुम्हारा सर दबा देती। इट्स ओके मॉम। उदय बेटा तुमसे एक बात करनी थी। लाजवंती के घर से फोन आया था, वो लाजवंती को काफी मिस कर रहे हैं। तो मॉम उनको कुछ दिनों के लिए यही बुलवा लीजिए। तुम तो जानते हो बेटा वो पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे गेस्ट हाउस में तो नहीं रुकेंगे, और जो होटल का खर्चा है तुम तो जानते हो, दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए अगर लाजवंती को वहाँ भिजवा देते हैं तो उसका मन भी बहल जाएगा और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। मॉम अगर लाजवंती चाहती है तो उसे भेज दीजिए। उदय बेटा तुम जानती हो कि लाजवंती कैसी लड़की है, कि अगर वो मैके भी चली जाए ना फिर भी इस घर के बारे में वो सोचेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ही उसे बता दो कि वो कुछ दिन के लिए चली जा सकती है, और आखिर हमें लाजवंती के बारे में भी तो सोचना है ना। वैसे भी लाजवंती ने मुझे अभी तक पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, अच्छा है कि उसे अपने परिवार के साथ कुछ और वक्त दिया जाए, शायद लौटने पर वो। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मॉम, बस यही सोच रहा था कि आप लाजवंती के बारे में कितना सोचती हैं, उसकी कितनी केयर करती हैं। अगर बहू को बेटी जैसा माना है तो उसकी फिक्र करना भी जरूरी है। आंटी आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, बट उदय लाजवंती का शादी में नहीं टूटने देगा। मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा।